सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि वीडियो का थंबनेल आपने देखा ही होगा, ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा शेडिंग के बारे में कि हमने पूरे फार्म पे अपना इस बार शेडिंग करवा दिया है। जो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वॉइस मैसेज के ज़रिए आपको बताया था कि इस बार हम शेडिंग करवाने जा रहे हैं। ये शेडिंग हमने क्यों करवाया, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसमें कितना कॉस्ट पड़ा और किस तरीके से हमने इसको लगाया, किस तरीके से ये पाइप हमने यूज़ की, कौन सी ये पाइपें हैं, क्या इनकी डायमेंशन है, कितने परसेंट का शेड नेट लगवाया और कितने परसेंट का शेड नेट अगर आप लगवाना चाहते हैं आपके एरिया वाइज आप किस हिसाब से लगा सकते हैं, आज इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया जाए एक टॉपिक को, तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए अगर आप शेडिंग करवाना चाह रहे हैं अपने ड्रैगन फ्रूट फार्म में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको पूरे पॉइंट क्लियर करता चला जाऊंगा। हाँ, सभी भाइयों से अनुरोध इतना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस बीच फिर आप सवाल पूछते हैं क्योंकि आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते। सब्सक्राइब कीजिए किसान मित्र यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। हम कोशिश यही रखते हैं अपनी वीडियोज में कि पूरे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपके कोई सवाल ना बचे। फिर भी आपको कोई सवाल बचता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे दिया रहता है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके हमारा व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर सकते हैं। और हमारा खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप है किसान मित्र नाम से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक पे वीडियो डालना पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि कुछ समय ऐसा आता है एट ए सडन मोमेंट में हमको कोई मैसेज डालना पड़ता है, मीन्स अगर फील्ड में कोई किसी तरह का इश्यू आ रहा है, तो इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक हमारा सेकंड चैनल भी है जो ब्लॉगिंग चैनल है, जिस पे हम अच्छे से एक ब्लॉग डालते हैं डे वाइज डे। उस पे हम ब्लॉग डालेंगे कि अंदर से ये फार्म देखने में अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इस चीज़ को फिर हम शॉर्ट में एक्सप्लेन भी अच्छे से नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हम ब्लॉगिंग के ज़रिए आपको पूरा वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वो लंबी वीडियोज़ रहती हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपको व्यू अच्छे से अंदर का पता चल जाए, क्योंकि इन वीडियोस में हम टॉपिक बाय टॉपिक ही बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि हमने ऑलरेडी पोल लगा दिया और अभी हम वायर के ज़रिए इसको खींच रहे हैं। इसके ऊपर में शेड नेट आएगा और ये वायर इसके लिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पाइपें लगाती तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है और इतना हैवी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेड नेट का कुछ ज़्यादा वेट नहीं होता, तो इन वायर के ज़रिए भी ये एक दूसरे से टाइट रहता है, जिसके ज़रिए आपका जो शेड नेट है वो हवा में उड़ता नहीं है और इसके साथ में बंधा रहता है। हम वायर के ज़रिए इसको टाइट कर देते हैं, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे किस हिसाब से हमने शेड नेट लगाया। ये वायर इतनी टाइट रहती हैं कि ताकि शेड नेट हवा में उड़े ना। और यहाँ हमने जो पोल से पोल की दूरी, मीन्स ये जो पाइपें आप देख रहे हैं, जो टी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनका जो डिस्टेंस रखा है वो 20 फीट रखा है। यहाँ पे पाइपें कौन सी पाइपें हमने जो कौन सा मटेरियल यूज़ किया वो आपको अभी हम दिखाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो हम पाइप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये 1.25 इंच की पाइप है, यानी 1 इंच से 25% कम। इसके ऊपर हम प्रोफाइल लगा रहे हैं। ये प्रोफाइल क्या होती है, नॉर्मली आप देखते हैं पॉली हाउसेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपको शेड नेट लगाना है और बाद में रिमूव करना है तो इसमें काफ़ी इजी हो जाता है और ये उसको अच्छे से खींच के रखती है, तो इसके लिए हमने प्रोफाइल लगाया, यानी टॉप जो कॉर्नर है, जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है, वो जो पाइप रखा है यहाँ 1.25 इंची का पाइप रखा हुआ है, और जो वर्टिकल जो पाइप हम यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ 1.5 इंची का यूज़ किया है। जो 1.5 इंची का पाइप है उसका जो वेट है वो 20 फीट की पाइप आती है, उसका जो वेट हमारा हमने इस बार जो परचेज़ किया था वो था 17.5 kg, यानी 17.5 किलो का वो पाइप था। और ये जो 1.25 इंची की पाइप आप देख रहे हैं जिसके ऊपर प्रोफाइल लग रही है, ये करीबन इसका वेट 10 या 11 kg के आसपास था। अभी यहाँ हम रिविट लगा रहे हैं इसके ऊपर में, ये परमानेंट हो जाता है। बाद में इसके ऊपर में जब भी आप शेड नेट लगाएंगे, एक स्प्रिंग के ज़रिए ये शेड नेट टाइट हो जाता है, मीन्स आपको धागे से या फिर वायर से अच्छे से उसको बांधने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आपस में ही लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण वो हवा में उड़ता नहीं है, टाइट रहता है, ढीला नहीं होता, हवा आंधी तूफान का भी कोई ज़्यादा असर इसके ऊपर पड़ता नहीं है।
क्योंकि नॉर्मल पॉली हाउस के अंदर में यही मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो हमने उन्हीं कारीगरों को बुलाया था जिन्होंने पॉली हाउस के अंदर काम किया था, यानी पॉली हाउस लगाते हैं जो। ये पाइपें हमने 20 फीट की पाइप थी जो मैं आपको बता रहा था, 1.5 इंच की पाइप है, इसको हमने हाफ कट कर लिया था, यानी 10 फीट का कट कर लिया इसको। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं जो ऊपर में लगती है, ये 5 फीट की पाइप है और ये 12 से 14 फीट का ये प्रोफाइल रहता है, यानी ये 14 फीट का प्रोफाइल है। तो हम इसको इस हिसाब से कट कर लेते हैं कि 5 फीट की पाइप के ऊपर ये अच्छे से रिविट के ज़रिए लग जाए। ये स्प्रिंग रहते हैं जो प्रोफाइल को टाइट करके रखते हैं, मीन्स जो शेड आप लगाएंगे उसके ऊपर फिर ये स्प्रिंग लगता है और ये बाद में इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं अगर आपको बाद में शेड हटाना भी है तो। ये टी स्ट्रक्चर इस तरह से रेडी हो जाता है। ये सिर्फ टी पॉइंट पे ही वेल्डिंग है, बाकी इस पे कहीं वेल्डिंग नहीं है, बाकी ये सब रिविट के ज़रिए जुड़ा रहता है और मजबूती इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमने इस पे फुल वेल्डिंग करवाई है। ये इस तरह से टी स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। ये जो पाइपें हमने यूज़ की है ये जी आई पाइपें हैं, क्योंकि अगर हम आयरन की MS की अगर पाइप लेते हैं तो वो जंग खा जाती हैं कुछ समय के बाद में और इतना खर्चा करने का कोई मीनिंग नहीं है। ये पाइप हमें जो कॉस्ट पड़ी है वो 103 रुपये KG के हिसाब से पड़ा है और जो ये 1.5 इंच का जो पाइप है वो हमें 98 रुपीज़ पर KG के हिसाब से पड़ा है। यहाँ हमने जो होल किया है ये 2 फिट का गहरा किया है और इसके ऊपर में जो पाइप है वो ये 2 फिट ज़मीन में और 8 फिट ऊँचा है, क्योंकि हमारे जो पोल की हाइट है वो 5 फिट है और इसके ऊपर में 3 फिट हाइट होने के बाद में इसके ऊपर शेड नेट आ जाएगा। यहाँ हमने एक छोटा सा बेस बना दिया ताकि अगर पानी लगता है तो पाइप उसमें जंग ना खाए बाद में, और बेस लगाने से इसमें मजबूती भी आती है क्योंकि फिर ये हिलता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 2 फिट चला ज़मीन के नीचे चला गया और करीबन 6 से 8 इंच ऊपर है और हमने जो चौड़ाई रखी है इसकी वो 9 इंच बाई 9 इंच रखी है, जो एक ईंट की जो एक चौड़ाई होती है उतनी ही लगभग रखी है हमने ताकि बाद में इसके ऊपर पानी ना लगता रहे। यहाँ लेवलिंग का पूरा ध्यान रखा गया है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया है ताकि कहीं से भी झुकाव ना आए, क्योंकि लगाते समय भी अगर इसमें झुकाव हो गया तो फिर बाद में इशू होता है। इस तरह की प्रोसेस हमारे पूरे फार्म पे की गई और ये पूरे हमने 1.5 एकड़ के पूरे फार्म पे इस हिसाब से ये प्रोफाइल और ये पोल लगाए। अगर आप इसका डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, तो हमने डिस्टेंस जो रखा है वो 20 फीट का रखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रखते हैं तो फिर आपको पाइप की थिकनेस उस हिसाब से ज़्यादा रखनी होगी, यानी आप फिर 2 इंच के आसपास की आपको पाइप रखनी होगी। तो ओवरऑल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उतनी ही बात पड़ जाती है। यहाँ जो वायर यूज़ किए हमने, यानी खिंचाव के लिए जो वायर यूज़ की है ऊपर में शेड को रोकने के लिए, ये 2.5 mm की वायर है जो नॉर्मली आप देखते होंगे सब्जियों में, टमाटर वगैरह के जो खेती करते हैं। अभी ये जी आई वायर की जगह पे अब ये PVC वायर आने लगी है जो काफ़ी लंबे समय चल जाती है और ये हमारी पर्पज़ को सोल्व भी कर रही थी। यहाँ आप ड्रोन शॉट के ज़रिए आप देख पा रहे हैं किस हिसाब से यहाँ पे जो मेंबर है वो शेड नेट जो लगाते हैं हमारे यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। यहाँ वायर खिंचाव का काम चल रहा है। ये पूरे फार्म पे जो वायर लगी है वो हमारी करीबन 23 kg के अराउंड हमारी वायर लगी है टोटल, जिसकी वायर की 1 kg की कॉस्ट 380 रुपये हमको पड़ी है GST के साथ में। ये आपको ईजिली मिल जाती है, कहीं पर भी आप चले जाएँगे एग्रीकल्चर स्टोर में ये आपको मिल जाती है, या ना ऑनलाइन भी इंडिया मार्ट पे ये आपको मिल जाएगी। थिकनेस हमने 2.5 रखी है, आप इससे कम भी रख सकते हैं, वो आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रहेगी। यानी अगर ज़्यादा लंबाई है तो ये है कि फ्लेक्सिबल ना रहे ज़्यादा, खींचने में और बांधने में आसान रहती है, तो इसके लिए हमने 2.5 mm की वायर रखी है। आप इससे कम भी ले सकते हैं 2 mm की, उसमें भी कोई इशू नहीं, स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आती है। यह कि पकड़ने के लिए थोड़ी आसान हो जाती है, इसके लिए हमने यहाँ 2.5 mm की रखी है ये वायर। आप ये पूरा व्यू देख पा रहे होंगे पूरे फील्ड में। अभी हमारा जो पोल लगाने का काम था, यानी जो GI पाइप का जो स्ट्रक्चर को होल्ड करती है शेडिंग को, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ वायरिंग का अभी काम चालू है। ये करीबन 1.5 एकड़ का पूरा प्लॉट है जिसके अंदर हमने इस बार शेड नेट करवाया, और इसकी अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो ये हमें 5,10,000 रुपये में पूरा स्ट्रक्चर पड़ा है। अब बात करते हैं कि ये पूरे हमें शेडिंग करवाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। देखिए, हम रहते हैं नॉर्थ बेल्ट में, मीन्स यहाँ ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और गर्मी में 45-40 डिग्री भी टेम्परेचर जाता है, और जैसा कि आप सभी को पता है ये 10 डिग्री से लेके 38-39 डिग्री के बीच में ही सर्वाइव करने वाला पौधा है।
अगर 45 डिग्री के ऊपर यानी 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है 45-46 के आसपास तो सनबर्न होता है, तो उस समय पे ये ग्रीन शेड नेट इसको प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट सनबर्न से, यानी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, ये फिल्टर होके आती है और जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और सनबर्न का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या हमने जो शेड नेट लगवाया वो 75% का शेड नेट लगवाया, ये इसको नज़र में रख के लगवाया गया है ताकि हम गर्मी के समय पे इसको लगा सकें। अगर 50% का लगाना चाहते तो लगा सकते हैं लेकिन उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, तो इसके लिए हमने 75% का लगवाया क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री चला जाता है। जिन एरिया में अगर टेम्परेचर 45-46 नहीं जाता तो वो 50% का भी शेड नेट लगवा सकते हैं। हमने काफ़ी सारे फार्मर से बात की जिन्होंने इस शेडिंग का यूज़ किया था पहले, तो उनकी राय लेके ही हमने 75% का शेड नेट लगवाया। अगर आप 90% का लगवाते तो थोड़ा इशू आता है क्योंकि थोड़ा डार्क हो जाता है, सनलाइट अच्छे से नहीं आती जिसके कारण पौधे की ग्रोथ में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये परमानेंट शेड नहीं रहेगा, ये सीज़न वाइज रहता है। ये अभी गर्मी के सीज़न का लिए हमने ग्रीन शेड नेट डाला है, विंटर जब सीज़न आएगा यानी उस समय फंगस आता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम वाइट कलर का एक शीट डालेंगे ऊपर से। इस बार जनवरी 18 से लेके जनवरी 22 के बीच में यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई है हमारे एरिया में और फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ है इस बार, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ने वाली है इस बार और विंटर्स की सीज़न में हम इसके ऊपर वाइट कलर का एक पोलोथीन टाइप में शेड नेट यूज़ करेंगे जो नॉर्मली पोली हाउस के अंदर में यूज़ किया जाता है, वो वाला मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं। सर्दी के सीज़न पे वाइट कलर में रहेगा वो ताकि सनलाइट अच्छे से आए और डायरेक्ट फ्रोस्ट और पाले का इफ़ेक्ट ना पड़े पौधे के ऊपर, क्योंकि जिस साइड में सनलाइट आ जाती है विंटर सीज़न के अंदर स्पेशली वहाँ पे फंगस नहीं आती, और जिस एरिया में सनलाइट नहीं रहती मीन्स जो बैक पार्ट रहता है वहाँ फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कि विंटर सीज़न में हर साल हमको इस तरह का इशू आता है और गर्मी के सीज़न में यहाँ हमें शेड नेट लगाने से एक फ़ायदा और होने वाला है, अगर शेड नेट लगाते हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन पहले फ्लावरिंग ओपन होना चालू हो जाता है क्योंकि शेड नेट के अंदर में टेम्परेचर बाहर के मुकाबले थोड़ा डाउन हो जाता है और डायरेक्ट जो सन की इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाती है, तो इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग का भी इशू बहुत कम हो जाता है और फ्लावर सस्टेन करता है। तो शेड नेट के कई फ़ायदे हैं लगाने का, लेकिन जो फार्मर नया फार्मर है जिसके पास कॉस्ट का थोड़ा इशू है कि इन्वेस्टमेंट इतना नहीं कर सकते तो वो बीच में इंटरक्रॉप ज़रूर करें, या इसके लिए आप कॉर्न यानी मक्का भी लगा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था हमें लास्ट टाइम, लेकिन हमने इसको परमानेंट रूप में लगाना की ही सोच ली थी कि हमें परमानेंट ही सोल्यूशन चाहिए क्योंकि हर साल ये इस तरह का इशू आता है और इस इशू से हम निजात पाना चाह रहे थे, तो इसके लिए हमने पूरा शेड नेट लगवाया। अगर आप इच्छा रखते हैं कि आप शेड नेट लगवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लगवा सकते हैं, ये परमानेंट ही एक सॉल्यूशन है अगर आपको विंटर सीज़न में या फिर गर्मी के सीज़न में समर सीज़न में सनबर्न से या फिर फंगस से निजात पाना है। तो विंटर सीज़न में थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम चेंज कर देंगे, हम इसमें टनल बना देंगे, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, आप देखिएगा उस समय पर हम टनल कैसे बनाते हैं, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो पब्लिश करेंगे विंटर सीज़न में, क्योंकि अभी तो वेजिटेटिव ग्रोथ का समय है और टेम्परेचर भी यहाँ 27-28 के आसपास में स्टेबल हो गया, अभी कोई भी फंगस का साइन हमारे फील्ड में नहीं है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और व्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इंजीनियर टू फार्मर व्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप वहाँ जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगली जो वीडियो डालेंगे हम व्लॉग की वीडियो डालेंगे यानी पूरे फार्म का टूर करवाएंगे, अच्छे से आपको अंदर से दिखाएंगे कैसा लगता है ये देखने में, क्योंकि इस वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन, ये समझिए टॉपिक वाइज टॉपिक ही हमने किया है, अंदर से पूरा एक पूरा घुमा के या फिर पूरा आपको समय नहीं दे पाए हम यहाँ पे दिखाने में, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।